प्रेजेंट मैं नेशनल लेवल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ स्विमिंग में। तो मैंने मेरा स्विमिंग करियर थर्ड क्लास में चालू किया था। बड़े भैया भी स्विमिंग करते थे, नेशनल स्विमर भी रह चुके हैं वो, तो उनको देखते हैं मैंने भी अपना स्विमिंग मतलब ऐसे चालू किया था, ऐसे ही फ़न के लिए चालू किया था स्टार्टिंग में। तो जूनियर पूल में था और जो हमारे स्कूल में चालू किया था, जो तो स्कूल के जो असिस्टेंट कोचेज उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मुझे बेसिक ट्रेनिंग दी। फिर मैं सीनियर पूल में आया तो हमारे स्कूल के जो सीनियर मोस्ट कोच हैं उन्होंने मुझे देखा और उनको लगा कि मैं काफ़ी अच्छा कर सकता हूँ स्विमिंग में, तो उन्होंने मुझे सीनियर बॉयज़ के साथ ट्रेनिंग देना चालू किया। तो ऐसे ही मैंने फोर्थ फिफ्थ ट्रेनिंग ली पूरी। फिफ्थ के लास्ट में मैंने अपना फर्स्ट मेजर कॉम्पिटिशन CBSE जोनल्स खेला था और फिर सिक्स्थ में मैंने फर्स्ट टाइम डिस्ट्रिक्ट खेला, ओपन डिस्ट्रिक्ट, उसमें गोल्ड मेडल लगा। फिर स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किया, स्टेट्स में भी गोल्ड मेडल लगा और स्टेट्स में नेशनल क्वालिफाइंग टाइम भी दिया तो नेशनल्स हुआ। फिर ओपन नेशनल्स था, फर्स्ट टाइम मेरा सिलेक्शन हुआ था राजस्थान को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो मेरे लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट था वो। और नेशनल्स में मेरी अच्छी रैंकिंग नहीं थी पर फिर भी मैं उससे मोटिवेटेड था, मुझे उससे मोटिवेशन मिला। और फैमिली सपोर्ट भी था तो उसका भी बहुत बेनिफिट मिला और सर का जो मेरे लिए कमिटमेंट था वो भी बहुत अच्छा था, मतलब सर को लगता था कि मैं अच्छा कर सकता हूँ स्विमिंग में। फिर सिक्स्थ में फिर मैंने लास्ट में CBSE नेशनल्स खेला, CBSE जोनल्स खेला, जोनल्स में मेरा गोल्ड मेडल लगा। फिर नेशनल्स खेला, नेशनल्स में टचिंग में माइक्रोस में फोर्थ आया था मैं, उससे सर भी काफ़ी इम्प्रेस थे पर मुझे ऑफकोर्स दुख तो होता ही है, अब जरा से माइक्रोस से फोर्थ आज आ रहे हो और इतनी मेहनत की आपने फिर भी फोर्थ है। मैं एट्थ में जब ओपन स्टेट्स खेला मैंने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करते हुए, तो मैंने स्टेट्स में मेरा फर्स्ट इंडिविजुअल रिकॉर्ड बनाया और फिर उससे काफ़ी रिकग्निशन भी मिला मुझे, गवर्नमेंट ने भी फेलिसिटेट किया, तो उससे काफ़ी मोटिवेशन मिला और फैमिली सपोर्ट तो ऑफकोर्स था ही। फिर ओपन नेशनल में राजस्थान को रिप्रेजेंट किया तो उसमें फिफ्थ रैंकिंग थी, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी प्राउड फील हुआ। और फिर मैंने जो स्पोर्ट्स था उसको स्टडीज से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चालू कर दिया, मतलब ऐसा था कि स्पोर्ट्स में ही मुझे करियर बनाना था, मुझे ऐसा लगने लगा और मुझे लगता था कि मैं कर सकता हूँ। फिर ऐसा था एट्थ में फिर मैंने CBSE जोनल्स खेले, CBSE नेशनल्स हुआ, नेशनल में सिल्वर मेडल लगा। काफ़ी ऐसा काफ़ी प्राउड फील होता है आप, और जब आपको इवेंट से पहले जो एंग्जाइटी होती है, जो एक्साइटमेंट होता है इवेंट के लिए, वो भी जो फीलिंग होती है वो सिर्फ स्पोर्ट्स में ही है, ऐसा है और कहीं नहीं है। फिर गोल्ड मेडल लगा, जब पोडियम पे था तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ, मम्मी तो रोने लग गई थी। उसके बाद बस फिर मैं लास्ट में आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप किसी भी चीज़ में हो, स्पोर्ट्स में हो, ऑनलाइन गेमिंग में हो, किसी भी चीज़ में, तो आपको हर चीज़ में परफेक्शन के लिए आपका कमिटमेंट होना चाहिए, आपके एफर्ट्स होने चाहिए, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, वो सब आपको परफेक्शन के लिए ले जाएगा। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, ऑनलाइन गेमिंग में, आप धीरे धीरे बढ़ोगे, ऐसा नहीं कि आप चाहते हो आपका ग्राफ सीधा ऊपर जाए, धीरे धीरे आपका ग्राफ ऊपर जाएगा।